नचिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स ले चुका हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, जिसमें से एक लेक्चर जो था वो बेसिक है और 2 लेक्चर जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अभिनव मूल मंत्र का एक बोर्ड लेवल लेक्चर है और दूसरा हॉट्स लेवल लेक्चर है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अभिनव मूल मंत्र आपके 85% क्वेश्चन सॉल्व करेगा, यानी वो सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ। ये जो टाइप 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन टाइप क्वेश्चन, ये कितने परसेंट क्वेश्चंस पे अप्लाइड होंगे? 5%। तो अब आप बोलोगे कि बस इतना सा? अरे भाई साहब, टोटल 100% ही होता है, तो 85% जब वही यूज करवाएंगे तो अब तो कम यूज होगा ना। लेकिन ये 5% ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप अभिनव मूल मंत्र पे कितना भी बार ट्राई कर लो वो नहीं बनेगा। मतलब समझ पाए कि नहीं? वो सब ट्रिकी क्वेश्चंस होता है। तो अब आप क्या करोगे, आज मैं कुछ लॉजिक दूंगा, कुछ रूल दूंगा, और उन सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन टाइप में बनाओ। देखो तुरंत 1 से 1.5 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है कि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ना तो मेरे पास क्लास कर रहे हैं और ना ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों की स्थिति पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन देखते ही कैसे हो जाती है? देखिए कैसी होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन उनकी हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अच्छा नॉलेज चाहिए तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए सर। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। आइए बच्चे लोग, क्वेश्चन से पहले आपको ये तो बताना होगा ना मुझे कि यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे, है कि नहीं? तो पहले चलिए अब यूज सीखते हैं। तो सुनते जाओ बच्चे लोग, ध्यान से देखते जाना और ध्यान से सुनते जाना, कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ो। जब देखो, ऐसे तो डिनोमिनेटर में भी रहेगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर जब डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में, सबसे पहला केस में बता रहा हूँ, 1 + sin θ हो, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। जब कभी डिनोमिनेटर में 1 + sin θ हो, ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रैशनलाइजेशन टाइप क्वेश्चन, यानी ज़रूरी नहीं है कि रूट रहे तभी आप रैशनलाइजेशन लगाइए। यहाँ कुछ अलग सा फंडा बताने वाला हूँ। यहाँ याद है रैशनलाइजेशन में कैसे करते थे हम लोग, जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिखो, उसी को नीचे लिखो, बस साइन को चेंज कर देना था। सिमिलरली जब भी आपको डिनोमिनेटर में 1 + sin θ दिखे, तुरंत आप उसको ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो, साइन चेंज कर दो, इस टाइप का काम करो, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्यों होगा, उसके पीछे रीजन भी हम आपको देंगे, हवा में थोड़ी बात करना है सिर्फ। तो देखो, जब तुम 1 + sin θ को रैशनलाइजेशन के जैसा स्टेप्स फॉलो करवाओगे, तो 1 + sin θ बगल में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - sin θ। और बच्चे तुम लोग अच्छे हो, अब बताओ 1 + sin θ 1 - sin θ मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा, 1 - sin θ 1 - sin θ कितना बना देगा, 1 - sin²θ, और जिसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चे cos²θ। तो देख रहे हो ये टर्म अपने आप छोटा भी हो गया और कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इस लॉजिक को हम लोग फॉलो करेंगे और देखना A to Z हम लोग 5% के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से जस्ट सपोज करो, मान लो अगर यहाँ पर 1 - sin θ भी रहता तो भी हम रैशनलाइजेशन मेथड लगाते, 1 माइनस था तो यहाँ हो जाता 1 प्लस, सेम यहाँ पर 1 - sin²θ आता और ये cos²θ बनता। अगला स्टेप कब हम यूज करेंगे इसको, सुनते जाओ। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में 1 + cos θ होगा, अगर कहीं भी देखोगे आराम से सॉल्व कर लो, और अगला पार्टी उसको पते नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है वो सोच रहा है कि कैसे काम करे, तो 1 + cos θ का रैशनलाइजेशन टाइप में क्या हो जाएगा, 1 - cos θ, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। आप देखना तो कितना मज़ा आएगा। और वही दूसरा बच्चा बैठा रह जाता, उसको पते नहीं चलता कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यही तो फंडा है ना सर, और ये सब मेहनत करके खोजा हुआ चीज़ है। आइए, तो वन प्लस माइनस साइन थीटा हो गया, वन प्लस माइनस कॉस थीटा हो गया, है ना। अगला आपको मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं भी सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस वन हो, तो भी आप रैशनलाइजेशन टाइप यूज कर लीजिए। कैसे यूज होगा, तो सेक थीटा प्लस वन हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सेक थीटा माइनस वन, दोनों मल्टीप्लाई हो करके कितना बना देगा, तो बना देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये चौथा लेक्चर है, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर सेक थीटा माइनस वन होगा तो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। अब आइए फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर कब यूज करना है, अगर आपके पास कुसेक थीटा प्लस वन होगा तब आप यूज कर लीजिए। इससे ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रैशनलाइजेशन में कुसेक थीटा माइनस वन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और इसे कब कब यूज़ करना है, अगर माइनस होगा तब भी यूज करो, क्योंकि यहाँ पर प्लस बन के सेम फॉर्मूला आएगा। और कभी यूज करना है क्या, हाँ जी और कब यूज करना है, तो चलो शांति से देखते जाओ कैसे यूज करना है। अगर कहीं डिनोमिनेटर में मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहा, ठीक है, तो भी आप यूज कर लीजिए। इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। और कोई भी बच्चे अभी किताब मत बनाइए, ये तीसरा दूसरा टाइप है, तीन टाइप और बता दे फिर बनाइए ना, जब फिर आप बनाइए विथ कॉन्फिडेंस, ए टू जेड क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्या है, एगो बनेगा फिर दूसरा नहीं बनेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाएगा। तो और कब यूज करना बाबू, कुसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इससे हो जाएगा कुसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका जब करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आइए हम अपने नॉलेज को बूस्टअप करें और देखते हैं ये कहीं काम भी आएगा या नहीं आएगा। तो ये मैंने क्या बताया, टाइप टू का कॉन्सेप्ट, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कमेंट में, मेरे जो मैं जो भी मेथड बताता हूँ ना उस पर वो ये डाउट पूछ देते हैं, और डाउट भी नहीं, उस पर वो अपना मेथड लगाने लगते हैं कि भैया आप जो बताएं वो लेंदी हो गया, और हम जो बनाए ना मेरे प्यार, हम मैं जो बनाया उससे आप बहुत अच्छा बता सकते थे, यानी आपने लेंदी बता दिया बच्चों को। तो एक बात बता दूँ, मेरे पास बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन बच्चे वही मेथड बताते हैं जो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरे क्लास का वीक स्टूडेंट भी है उसको भी समझ में ए टू जेड आए, और अगर इंटेलिजेंट है उसको भी समझ में ए टू जेड आए। तो जो बच्चे ऐसा ऐसा अपना अपना तर्क दे देते हैं कमेंट में आकर के कि भैया आप लेंदी कर दिए, मेरा वाला मेथड लगाते, उनके लिए एक छोटा सा बात है, देखिए। तो आर यू कॉमेडी मी, जीते की चाल, बाज की नजर, और अभिनव के कॉन्सेप्ट पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते बनाना, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट का क्वेश्चन है, अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा। अरे बहुत ईजी लगेगा, आप देखना था खाली, इसकी वैल्यू लानी है कुसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे बनाना, आराम से देखो आप। सबसे पहले LHS या RHS जो बड़ा लगे उससे ले लो, बड़ा मतलब जिस पर आप कुछ काम कर सको। तो मुझे तो ऐसा लग रहा LHS ही बड़ा है, तो ले लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चा,
यहाँ पर रूट है इसलिए हम रेशनलाइजेशन यहाँ नहीं लगा रहे हैं, चूँकि याद करो डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस है और हम इसके लिए कॉन्सेप्ट दिए थे कि जब डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस रहेगा और तब आप उस वक्त रेशनलाइजेशन टाइप यूज कर सकते हैं। तो करिए यूज कैसे होता है, जो नीचे लिखा है इसी को ऊपर और फिर उसी को नीचे, बस क्या करना बच्चे लोग, साइन को चेंज करते हुए। देखिए बच्चे आगे क्या हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो गया, एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई है, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिए बच्चे, अंडर रूट ऊपर हो गया वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, टोटल का रूट ले लो, तो सॉरी स्क्वायर कर दो, वन प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आगे जो बचा शायद देखो यही मेरा आंसर है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है या तो यहीं तक तुमको बोल देगा प्रूफ डैट, नहीं तो ये वाला बोला, तो फिर वही लॉजिक लगाओ, जो प्रूफ करना उसके बाई में कुछ है नहीं, तो इसको अलग अलग बांट दीजिए, तो हो गया वन बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन होता है कुसेक थीटा और कॉस बाय साइन होता है कॉस थीटा। तो बाबू इस मेथड से अगर तुम बनाए तो देखो तुरंत बन गया ना। अब जिस बच्चा को नहीं पता है कि इस टाइप का भी कोई मेथड हम बताए हैं, वो बच्चा बना ही नहीं पाएगा। तो बताओ कैसा लगा ये मेथड का क्वेश्चन, देख लो सॉल्व हुआ ना, कैसा लगा? चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बड़ा कौन लग रहा, आप देख ही सकते हैं कौन सा बड़ा भैया लोग, LHS बड़ा है ना। तो आइए सॉल्व करें, तो LHS सपोज करो कि हमने उठा लिए, बार बार एक चीज़ को लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो जस्ट सपोज करो कि LHS हमने उठा लिया, तो आइए लगाइए रेशनलाइजेशन टाइप। क्यों लगा रहे हैं मैं फिर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस साइन, तो बताएं ये तुम लोगों को कि वन माइनस साइन रहेगा तो रेशनलाइजेशन टाइप यूज कर लीजिए। तो बच्चे ऊपर हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा और नीचे भी हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा। इसी तरह से ये काम एक बार और यहाँ भी कीजिए। क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन टाइप, रूट है इसलिए नहीं, रूट है तब तो लग ही रहा हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो हम तुमको आज दिए हैं डिनोमिनेटर में ये टर्म है इसलिए लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ऊपर में लिख दो वन माइनस साइन थीटा और नीचे में भी लिख दो वन माइनस साइन थीटा। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई है, तो ऊपर हो गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से तुम यहाँ पर आ जाओ, देखो ये नंबर दो बार मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम लोग बोलोगे बनाने में तो मज़ा आ रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना दे दिए जी, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो फिर घूमते रहते झुमरी तलैया में, कहाँ जाना है। तो यहाँ हो गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हो गया वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 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 वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, एक बार रूट ले लो, कंप्लीट का होल स्क्वायर बना लो, वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर करिए वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। आगे क्या बचा,
तो ये बच गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब चाहो तो जैसे पिछला क्वेश्चन में अलग अलग बांटे थे, बांट दो, नहीं तो अभी एलसीएम ले सकते हो इसका। तो चलो एलसीएम ले लो, कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस कॉस कट गया एक बार में, यानी सेम टू सेम बचेगा, फिर कॉस कॉस कट गया एक बार में, यानी सेम टू सेम बचेगा, और लास्ट स्टेप चलो दिस दिस कैंसिल, 1 + 1 2 बाई कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आप नोटिस कीजिए कितना आप लोगों के लिए ये बायां हाथ का खेल हो गया। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में करते हैं, आइए काम। तो आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, है ना। तो फिर वही काम करो, LHS बड़ा लग रहा है, अब बोलोगे नहीं ये वाला बड़ा नहीं बाबू, ये LHS काम जिस पर ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ देखो नीचे में sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो बताई हैं जब डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म हो रैशनलाइजेशन टाइप लगा लो, तो काम इस पर ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा LHS है। तो चलिए आइए, तो ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बताओ बच्चों रेशनलाइजेशन टाइप क्या कहता था? रेशनलाइजेशन टाइप कहता है जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है उसी को कहाँ लिख दो बाबू लोग, ऊपर में। तो आइए लिख देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर उसी को कहाँ लिख दो, नीचे में, लेकिन साइन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और यहाँ नोटिस करो रूट है नहीं, लेकिन फिर भी लगा के सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने ये नहीं बोला रेशनलाइजेशन ही करना है, हमने बोला रेशनलाइजेशन के जैसा काम करना है। वेरी गुड, चलिए तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लोगों के लिए ये चीज़ बहुत हार्ड है, लेकिन आपके लिए पानी हो गया, क्योंकि एक बार जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर तुम कुछ भी करो आराम से सॉल्व होगा। आपको पता है इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इससे क्या समझा, सबसे पहले देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर ख़त्म, नोटिस करो यहाँ भी जो लाना उसका डिनोमिनेटर नहीं है। अब ऊपर क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल दो, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और हमेशा ध्यान रखो जो लाना है। तो बताओ देखो ये टर्म आ गया, टेन भी आ गया, लेकिन sec नहीं लाना है। तो अब हम sec स्क्वायर थीटा का याद करो जो फॉर्मूला पढ़े हैं, लो साइड में लिख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर। तो sec के बदले क्या लिख दो, ये वाला लिख दो, कारण sec हमको नहीं लाना है। तो sec के घर में लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, और फाइनल स्टेप क्या लिखोगे, 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। लो जो दुनिया के लिए प्रॉब्लम है वो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है, लो बना दिए। चलिए बच्चे तो हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हैं। आप जब क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ये तो सेम है, लेकिन RHS देख रहे हो डिफरेंट है। यही सब तो सीखना है कि सेम LHS का RHS डिफरेंट है, तो बनाने के थोड़े से प्रोसेस भी चेंज हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले आप क्या उठा लो, LHS उठा लो, है ना। सबसे पहले तो आप लोग इसको LHS उठाओ, क्या हो गया sec a माइनस tan a बाय sec a माइनस tan a बाय sec a प्लस tan a। वेरी गुड, तो आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट्स पता ही है, जब डिनोमिनेटर में इस टाइप का कोई टर्म होगा आप वहाँ पे क्या करोगे, रैशनलाइजेशन टाइप यूज कर लो। तो यहाँ हो गया sec a माइनस tan a, है ना, ऊपर में sec a माइनस tan a, और नीचे क्या है बाबू लोग, sec a प्लस tan a। ओके ओके, लगाइए रेशनलाइजेशन टाइप, तो यहाँ हो जाएगा sec a माइनस tan a, और नीचे में sec a
-10a, वेरी गुड। अब बताओ ऊपर में एक ही नंबर दो बार है, तो यहाँ होगा sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद करिए नीचे वाला अभी अभी भी हम लोग यूज किए हैं, ये हो जाएगा sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और नीचे में वन। तो अब यहाँ तक तो पीछे भी किए थे, लेकिन बाबू इसके बाद देखे थे पीछे में तुमको सेक टेन में ही आंसर लाना था, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल दिए, लेकिन अब हमको किस में आंसर लाना, कॉस और साइन में। तो मेरा अगला जो होगा, यही होता ना कि मंजिल देखते रहो कहाँ जाना, ये नहीं कि कहीं भी स्टार्ट किया और कहीं भी पहुँच जाएंगे। तो मेरा जो अगला गोल होगा, हम अपने सेक और टेन को साइन और कॉस में बदलेंगे। देखो तो यहाँ पर से क्या बचा, बच्चा लोग sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब हम अपने मंजिल को देखते हुए इसको साइन कॉस में बदलेंगे, तो sec हो जाएगा वन बाई कॉस, टेन हो जाएगा साइन बाय कॉस। ध्यान देना, देखना क्या इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हो। ओके, एलसीएम ले लीजिए बच्चे लोग, आप लोग यहाँ से। तो जब आप एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा कोस ए, ऊपर होगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बोलो ला पाए, ला पाए? नहीं ना ला पाए। तो अब हम क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तुम्हारा ऊपर वन माइनस साइन है और तुमको नीचे में वन प्लस साइन लाना है, यानी कि तुम रेशनलाइजेशन टाइप कुछ यूज करो, वहाँ से काम बन सकता है। तो चलिए आइए हम लोग देखें रेशनलाइजेशन टाइप यूज करके, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते, ध्यान से देखिएगा। अंदर में यहाँ हो गया वन माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इस बार ऊपर पे लगा रहे रेशनलाइजेशन टाइप। तो जो ऊपर लिखा है उसी को ऊपर लिखो, उसी को नीचे लिखो, बस क्या करना था, साइन को चेंज कर दो। वेरी गुड, सुनते जाओ। वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हो क्या इजी कॉन्सेप्ट। और नीचे कुछ नहीं तो हो जाएगा कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए। देख लिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते थे, बट एलएचएस से भी हो रहा, कोई गल नहीं है। बोलो बाबू ऊपर क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए बाई वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आइए इसका अंतिम चरण कर दें, एक कोस कैंसिल, तो तुम्हारा यहाँ पर फाइनल बचने वाला है ऊपर में कॉस ए, नीचे में वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर एक बार ऊपर में जाएगा, एक बार नीचे में जाएगा, दोनों में बट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यही चीज़ आप लोगों को प्रूव करना था। तो आप देख रहे हो जिस दिन ऐसे बनाने सीख गए, आपका टैलेंट बहुत ऊपर लेवल तक चला गया, ठीक है? और अगर आप चाहते ना तो इसको आप आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते थे, एलएचएस वहाँ तक ले आते, यहाँ तक आप एलएचएस लाके छोड़ देते, उसके बाद आरएचएस में लगा देते रेशनलाइजेशन टाइप, वहाँ से आ जाता भैया फिर, यानी एलएचएस भी सॉल्व किए, आरएचएस भी सॉल्व किए, दोनों को मैच करवाए। तो ये आपका टैलेंट है, अब और होगा क्या? रुको जरा, सबर करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट। ये सब क्वेश्चन लोगों को आइडिया ही नहीं, जिनको नहीं पता है ना कि टाइप करके भी पढ़ना है, उनको आइडिया ही नहीं क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो झूठ मूठ का पेन घुमा रहे हैं या फिर रट के बैठे हुए हैं। तो चलिए आइए, आप देखिए, सबसे पहले हम एल एच एस उठाएं, यहाँ दोनों का साइज बराबर है, तो एक बार एल एच एस उठाओ पहले। जब हम एल एच एस उठाएँ, एल एच एस क्या हमारे पास, वन बाई कुसेक ए माइनस कॉट ए माइनस वन बाई साइन ए, ठीक है? ये एल एच एस हो गया। तो सबसे पहले बताओ एल एच एस में कोई ऐसा टर्म देख के लग रहा कि ये मेरा टाइप टू में जाना चाहिए, ये वाला याद करो, बताए थे कॉन्सेप्ट में, तो लगा दो यहाँ पे रेशनलाइजेशन टाइप। मैं तो कह दिया यार, एक बार कॉन्सेप्ट में दे दूंगा ना, तुम लोग फिर बाबा आदमी बन जाओगे, बाबा आदमी। तो ये जो नीचे लिखा है इसको ऊपर भी लिखिए,
है ना, और नीचे भी लिखिए, बस आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन को चेंज कर देना है। ओके ओके सर, आगे देखिए, तो यहाँ पर ऊपर में वन से मल्टीप्लाई होगा कुछ भी तो हो गया सेम टू सेम, और नीचे में ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और बगल में साइन ए को भी उलट दो तो क्या हो जाएगा, कुसेक ए। नाउ नीचे वाला तुमको वैल्यू पता है कितना होता है, ये वाला वन होता है, यानी ऊपर क्या बन जाएगा, कुसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे कितना हो गया वन, बगल में माइनस कुसेक ए, तो दिस दिस कैंसिल, तुम्हारा एल एच एस आ गया कॉट ए। आज जिसको नहीं पता इस टाइप से सॉल्व करना, वो बेचारे परेशान हैं, वो बेचारे रट रहे हैं। लेकिन अब हमको क्या करना होगा बच्चियों, आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा। तो लिख लो पहले आरएचएस, वन बाई साइन ए माइनस वन बाई कुसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व करके दिखा दें आप लोग को। तो बाबू लोग यहाँ हो गया वन बाई साइन ए, यहाँ पर लगा दीजिए रेशनलाइजेशन टाइप, तो क्या हो जाएगा, नीचे में लिखा हुआ है कुसेक ए प्लस कॉट ए, इसी टर्म को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, कुसेक ए माइनस कॉट ए बाई कुसेक ए माइनस कॉट ए। तो बोलो साइन का उल्टा क्या होता है, कुसेक, और यहाँ वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम टू सेम, है ना, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम टू सेम, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना सिखाया था मैं अभी, वन, तो यहाँ हो गया कुसेक ए माइनस कुसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे में तो हो गया वन। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप चलने वाला है, माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो गया, एंड दिस कैंसिल इज इक्वल टू कॉट ए। आप बगल में लिख दो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। तो आपने देखा इसी टाइप से हम आपको टाइप थ्री बताएंगे, टाइप फोर, टाइप फाइव, और जब पांचों टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा तब आप किसी भी बुक से जाइए, आप क्वेश्चन देखते के साथ बोल दीजिएगा ये कौन सा टाइप का है और तुरंत बना लीजिएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बाबू आपके लिए पानी पानी हो जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क में आपके स्क्रीन पर है, ये सारा होमवर्क आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू लोग। तो गुड बाय, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।